हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ में, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका एक टॉपिक है सेल वॉल। इससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, ये आप एक इसकी फर्स्ट फीचर देख रहे होंगे। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, मतलब ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने क्या पढ़ा था, दोनों में पाई जाती है, इफ इट इज ए प्लांट सेल और वेदर इट इज ए एनिमल सेल, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मस्ट है, पाई जानी है। बट सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, इसका दो चार एक्सेप्शन और लिख लो। बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, फंगाई आपने सुना होगा ना, फंगस होती है। ये अलग ग्रुप है ना, हम इनको प्लांट में इंक्लूड करते हैं ना ही हम इनको एनिमल्स में इंक्लूड करते हैं। आगे हम डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ये बैक्टीरिया और फंगाई ये क्या है। बट अभी आप इतना जानो कि ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और प्लांट में तो होती ही है, प्लांट का तो ये फीचर ही है, ठीक है। होती किसमें नहीं है, ये एनिमल सेल में नहीं होती है। अब इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने क्या पढ़ा था, ये सेल होता है और ये न्यूक्लियस होता है और ये होता है साइटोप्लाज्म और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था। ये अभी तक हम सेल को ऐसे पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज नोन एज सेल वॉल। और इसी वजह से ये प्लांट सेल को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी है सेल वॉल, और अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। आपको समझ में आ गया कि पहले सेल वॉल होगी उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। कहां होगी, और ये प्लांट सेल में होगी, ठीक है। ये है प्लांट सेल, और ये जिसमें सेल वॉल नहीं दिख रही वो कैसा सेल होगा, वो एनिमल सेल होगा, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको कोई ऐसा सेल बना के दे दे, इसमें न्यूक्लियस तो होगा ही, अगर आपको कोई ये दो सेल बना के दे दे और पूछे कि ये कौन कौन से सेल हैं, तो आपको किससे पहचानना है, पहचान किससे होगी, सेल वॉल से, जिसमें दो लेयर दिख रही होंगी, ठीक है, वो होगा प्लांट सेल। क्यों, क्योंकि एक तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक है सेल वॉल, और एनिमल सेल में सिर्फ एक ही लेयर दिखाई देगी, ठीक है, और वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको इतना समझ में आ गया कि सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, प्लांट में भी और एनिमल सेल में दोनों में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन भी पढ़ा था कि वो लिपिड बाइलेयर से बनी थी प्लस प्रोटीन से बनी थी। तो ऐसे ही जो सेल वॉल है वो किससे बनी है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। ये क्या बनाता है, ये सेल वॉल बनाता है, और ये जो सेलुलोज है इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। प्लांट कैसे होते हैं, बड़ी हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं ना, क्यों, क्योंकि उनके जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, और सेलुलोज की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज सेल वॉल, आपको याद रखना है इट इज ए डेड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लिविंग नहीं है। जो आउटर कवरिंग है सेल वॉल, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो हम सेल वॉल की बात करेंगे। तो ये एक डेड स्ट्रक्चर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग स्ट्रक्चर। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आप नोट कर लो, ठीक है। ये कभी कंफ्यूज मत होना कि जो सेल वॉल है वो डेड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, बेसिक इतनी चीजें समझ में आ गई। अभी तक हमने सेल वॉल में सिर्फ तीन चीजें डिस्कस की हैं, एक तो ये प्लांट सेल में पाई जाती है, दूसरी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आउटसाइड प्रेजेंट होती है। कल हम बात कर रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग, बट प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज क्या है वो मैंने आपको बता दिया, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल इज ए डेड स्ट्रक्चर वाइल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, हमने कल एक एक्टिविटी देखी थी या फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे थे, और उन सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, किसी में तो वॉटर बाहर आ रहा था और किसी में वॉटर सेल के अंदर जा रहा था, मतलब दो टाइप के सॉल्यूशन, दैट इज हाइपोटोनिक एंड
हाइपरटोनिक। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस हमको स्टडी करना है, स्पेशल केस नहीं है, वही सेम वैसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट है, बट इसको आप समझो। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया है हाइपर टोनिक, ठीक है। अब आपको पता है ना हाइपरटोनिक क्या है, मतलब ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट बहुत कम है, ये कंडीशन आपको पता होगी, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने लिया है और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने प्लांट सेल को डाल दिया, मतलब प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। प्लांट सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है, ये मैंने बना दिया है प्लांट सेल, ठीक है। ये इसकी सेल वॉल और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी लेबलिंग कर देते, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल, सीएमपीएम, समझ रहे हो। यहाँ पे सीएमपीएम ये चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेल वॉल डब्लू होगा, है ना, ठीक है। और इसके अंदर और क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, कोई भी सेल विदाउट न्यूक्लियस क्या है, इनकम्प्लीट है, और साइटोप्लाज्म भी होगा। ये इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। अच्छा, एक चीज और, इस जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, एक चीज और आपको बताई थी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम एक टर्म देते हैं प्रोटोप्लाज्म, याद है प्रोटोप्लाज्म। जब सिर्फ जब मैं इस लिक्विड स्ट्रक्चर की बात करूंगी, अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये जो फ्लूइड, जो इन बिटवीन फ्लूइड है, इसकी अगर मैं बात करूं तो साइटोप्लाज्म है। लेकिन जब मैंने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को एक साथ बोलूंगी, ठीक है, अगर मुझे न्यूक्लियस को भी इंक्लूड करना है और साइटोप्लाज्म को भी इंक्लूड करना है, तो मैं क्या टर्म दूंगी, प्रोटोप्लाज्म। हमने ये भी पढ़ा था कि किसने ये टर्म दिया था, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पहला वाला लेक्चर आप देख लीजिए। ये सेल है, इसको हमने क्या किया है, हाइपरटोनिक कंडीशन में डाला है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है। तो इस सेल की, सेल में क्या ऑब्जर्वेबल चेंज होंगे, जैसे कल हम पढ़ रहे थे, या तो वॉटर सेल के अंदर आ रहा था या वॉटर सेल के बाहर जा रहा था। तो हमें पता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो वॉटर बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ये होना चाहिए जो हमने कल पढ़ा था, होगा भी एकदम वैसा ही, लेकिन कुछ चेंज इसमें होगा, चेंज जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। क्या आप लेबलिंग बता सकते हैं, कौन सी लेबलिंग क्या है? चलो, ये है आपकी सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये जो है न्यूक्लियस को इंक्लूड करते हुए पूरा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो इसको यहां पे मार्क कर लो आप, प्रोटोप्लाज्म। जो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है वो ये है कि कल हमारे पास क्या नहीं थी, कल हमारे पास सेल वॉल नहीं थी, तो पूरा का पूरा सेल जब स्वेल हो रहा था, मतलब ये था आपका एक नॉर्मल सेल, ठीक है, जब ये स्वेल हो रहा था तो ये ऐसे हो जा रहा था साइज में, और जब ये श्रिंक हो रहा था तब ये ऐसे कुछ हो जा रहा था साइज में, मतलब छोटा हो जा रहा था। आज हमारे पास क्या आ गई है, सेल वॉल आ गई है, क्यों, क्योंकि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये डेड लेयर है, ठीक है, और ये बड़ी रिजिड है, हमने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सेलुलोज से बनी है, ठीक है, और सेलुलोज इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये बहुत इजीली ऐसे ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगी प्लांट सेल को, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, अब मैं बताऊंगी कि व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। अब आप ये समझो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो कंडीशन हो रही थी, सेल श्रिंक हो रहा था, वहां तो पूरा सेल श्रिंक हो रहा था, यहां पे हम क्या कहेंगे, सेल तो नहीं श्रिंक हो रहा, क्यों, क्योंकि सेल वॉल भी इंक्लूड है ना, तो हम सेल क्या, किस चीज को कहेंगे जिसमें सेल वॉल भी होगी, तो सेल का शेप तो एकदम वैसा ही दिख रहा है, शेप कहीं से नहीं चेंज हो रहा, बट अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कम हो गया है, वो एकदम सिकुड़ के एक कोने में आ गया है। तो ये जो कंडीशन है प्लांट सेल में, जो कंडीशन है वो कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। जो प्लाज्मा है, जो प्रोटोप्लाज्म था, वो सिकुड़ के एकदम बाहर निकल गया, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है,
इतना समझ में आ गया। देखो अगर आपसे भी पूछे ना कि ये प्लाज्मोलाइसिस किस में होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। एनिमल सेल में जो होता है हाइपरटोनिक कंडीशन में, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हमने किसी एनिमल सेल को डाल दिया तो सेल नॉर्मल हम कहेंगे श्रिंक हो गया है, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेशल टर्म है प्लाज्मोलाइसिस, ये सिर्फ हम प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। रीजन भी मैंने आपको बता दिया है क्यों, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कि व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, ये इक्वेशन भी बनता है प्लाज्मोलाइसिस। इट इज ए प्रोसेस इन विच प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल कम्स आउट व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या कह रही है डेफिनेशन, कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोटोप्लाज्म बाहर आ जाता है, ठीक है। प्लांट सेल का प्रोटोप्लाज्म बाहर आ जाता है कब, जब उस प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। ये समझ में आ गया आपको। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, अगर नहीं भी समझ में आई है तो आई थिंक कल वाले से समझ में आ गई होगी कि एक सेल में जब लाइसिस हो रहा था, मतलब सेल जब श्रिंक हो रहा था तो उसका प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल रहा था, है ना। यहां पे भी सेम कंडीशन हो रही है बट ये प्लांट सेल में हो रही है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब एक एक्टिविटी गिवन है आपकी बुक में, एक रोयो प्लांट होता है, उसकी फोटो देख लो कि कैसा होता है, आप सबने देखा होगा, ये बहुत कॉमन है, सबने देखा होगा, मिल जाएगा, और स्कूल में तो ये पक्का लगा ही होगा कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, ये तो हर स्कूल में मिलेगा। ये इसकी जो लीफ है नीचे से पिंक कलर की होती है, ठीक है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म हमें दिखेगा ना वो पिंक कलर का दिखेगा जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे इस लीफ को, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पिंकिश कलर का दिखाई देगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें करना क्या है, एक्सपेरिमेंट में हमें एक रॉयल लीफ लेनी है, ठीक है, एक रॉयल लीफ लेनी है, वो आपको दिखा दी गई है कि कैसे दिखती है, उसका एक पार्ट लेना है, उसको लीफ को तोड़ के उसका पार्ट, एक पार्ट लेना है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूं पार्ट ऑफ रियो लीफ ले लिया, ठीक है, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। अब ऐसे ही नहीं ऑब्जर्व करोगे, उसको स्लाइड पे रखोगे, उसमें ड्रॉप ऑफ वाटर डालोगे, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे। ये तो तभी करोगे तब आपके स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको वर्चुअली समझ लो कि भाई प्रोसेस में हो क्या रहा है। जब आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करोगे तो इसकी फोटो देख लो कि कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपको सेल वॉल दिख रही है, उसमें बीच बीच में सेल वॉल दिख रही है और पूरा पिंक कलर का दिख रहा है। जो पिंक कलर है वो फुल क्या है, पूरा प्रोटोप्लाज्म या कह लो साइटोप्लाज्म है सेल का, ठीक है, प्लांट सेल का, कई सारे सेल भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसी रियो लीफ को व्हेन रॉयल लीफ is placed in hypertonic solution, यहां पे हमने क्या कर दिया है, इस रॉयल लीफ को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, क्या चेंज नजर आएगा, प्रोटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा, मतलब जो प्लाज्मोलाइसिस हो रहा था वो प्रोसेस हो जाएगी। तो सिंपल अब मैं इसको लिख दू, प्लाज्मोलाइसिस will take place। अब मैंने बताया था कि भी प्लाज्मोलाइसिस क्या है, कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, यही प्लाज्मोलाइसिस है। तब आप इसको देखो, स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, एक फोटो और दिख रही होगी, ठीक है,
ये क्या, ये जो फोटोज आपको दिख रही है ये हमने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वहां से फोटोज लिए हैं। तो दूसरी वाली में आपको सेल वॉल दिख रही होगी एज इट इज, जैसे पहले दिख रही थी वैसी ही है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म कम हो गया, जो पिंक कलर का जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है वो कहीं कहीं किनारे पे दिख रहा होगा, है ना, खाली खाली सा दिख रहा है सेल, वो क्यों, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस हो गया है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जब भी किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म बाहर की तरफ आ जाता है, सेल श्रिंक करेगा। काइंडली तो सेल को श्रिंक करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसमें भी श्रिंक कर रही है, लेकिन सेल वॉल होने की वजह से सेल का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर एज इट इज ही दिखाई दे रहा है। तो ये आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था आपकी बुक में। इसी एक्टिविटी को एक दूसरे तरीके से भी बताया गया है कि अब ये जो रॉयल लीफ थी इसको आप बॉइल कर लो, तोड़ के बॉइल कर लो। बॉइल करने से क्या होगा, जो सेल है वो डेड हो जाएंगे, लीफ के जो सेल है वो पहले लिविंग थे अब वो डेड हो जाएंगे। डेड होने के बाद में सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है कि अब उसको फिर से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालो और माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करो। तो इस वाली कंडीशन में आपको वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि है तो ये एक तरीके का ऑस्मोसिस ही है ना ये। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल इज ए डेड स्ट्रक्चर। अब बॉइल करने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेथ हो गई, वो मर गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इसमें प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस नहीं हो रही है। ये एक्टिविटी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, ये एक्टिविटी पढ़ लेना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियस।